और पूरे उत्तर भारत में अब धुंध का कहर छाया हुआ है। बात की जाए अगर मोगा की, तो मोगा में भी धुंध का असर दिखाई दे रहा है। बीते दिनों शाम 5:30 बजे के बाद फिर से पूरी धुंध एकदम से पड़नी शुरू हो गई। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि धुंध इतनी कि ग्राहक ही नजर नहीं आता। इसके साथ ही प्रशासन ने बच्चों को वाहन धीमे चलाने और वाहनों में येलो लाइट लगाने की हिदायत दी है। सारे पंजाब वासियों नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं एएसआई केवल सिंह इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन सेल डिस्ट्रिक्ट मोगा। इस वक्त असी खड़े हैं जी मोगे का जिहड़ा हैड दहल है मेन चौक जोगिंदर चौक उहदे पुल ते। देखो दोनों पासे किन्नी किन्नी धुंद है। तकरीबन दिन के 9 बजन वाले हो गए है जी। जे शहर के इन्नी गूढ़ी धुंद है जिहड़े पिंडां दे विचों मिनियां बसां वाले स्कूली वैनां वाले जां कोई मोरे होर भैण भरा ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਰਹੂਗਾ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। 30-30 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਬੱਸ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਗਰ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।